गाइस अभी हो रहा है सुबह के 8 और मैं उठ गया हूँ। गाइस कल से जिम स्टार्ट करना है। आज भैया कोई बाहर गए, मतलब दादी को हॉस्पिटल ले जाना था, तो अभी सुबह चले गए जस्ट। तो उठाऊ और देखा कि भैया चले गए, फिर भैया को चलना है ना। भैया कल पहले से जाते थे, तो भैया कल कुछ ऐप मेंबरशिप वगैरह है कते, तो भैया कल चलेंगे कते बात करने के लिए। अभी तो मैंने कहा था तो भैया बोले थे आने में लेट हो जाएगी। बस फिलहाल तो बैठ जाते हैं अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट करने के लिए। आज कंप्लीट कैसा भी कर देना है कि कल BST का है प्रैक्टिकल, BST के लिए आज पढ़ना भी है ना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अब टाइम हो रहा है 9:35। अब गाइस प्रोजेक्ट तो बाद में करना पड़ेगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ बाहर सूट का ट्रायल देने के लिए। एबिट्स कम से कम 2 या 3 घंटे लग जाएंगे गाइस, क्योंकि फेयरवेल आ रहा है, शादी आ रहा है ना, फेयरवेल पे सूट भी पहनना है। आज ही 6 टाइम गाइस, फिर पूरा फंक्शन आया ना, तो मम्मी कम से अभी टाइम दोपहर में, फिर शाम में फंक्शन, कल से पूरा टाइम फंक्शन फंक्शन फंक्शन। मम्मी रहेंगे नहीं घर पर, इसीलिए मम्मी ने कहा चलना है तो अभी चलो, वरना बाद में तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बाद में, और कोई चल भी नहीं सकता है। तो उस प्रोजेक्ट तो आके करेंगे। चलिए फिलहाल मैं नहाने जा रहा हूँ। मतलब मैं नहा कर आ गया, अभी बैठे से हूँ। भैया नहाने गए, मम्मी रेडी है, खाली भैया ना करेंगे, कपड़े पहनेंगे और फिर हम लोग जाएंगे गाइस सूट के ट्रायल के लिए। मतलब डिज़ाइंस मैं डिज़ाइन तो सेलेक्ट कर लिया गाइस बहुत सारे गूगल पे से देख कर, अब उधर जाके देखना है बस। ओके चलिए। Just take a breath and take it deep to show the world that you can see a life that's full of wonder. A few moments later. आज फिलहाल अब टाइम हो रहा है 3:09। मैं घर आ गया था 2 बजे, आते के सो गया था, फिर अभी उठाऊ। प्रोजेक्ट का कुछ नहीं काम किया है जब तक, कल बिजनेस स्टडीज भी है। अब भाई सिर्फ प्रोजेक्ट करूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी 3 घंटे में कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट, मैक्स टू मैक्स 3 या 4 घंटे में, 7 बजे तक कंप्लीट कर दूंगा मैं। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ पढ़ूंगा 1 घंटा। ओके चलिए गाइस, फिलहाल ये जो फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है मेरा सूट, ऐसा बनेगा ब्लैक कलर में गाइस, अच्छा है ना। चलिए फिलहाल तो टाइम हो रहा है 3:10 हो रहा है। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट का काम करना और कंप्लीट कर डालेंगे आज। ओके लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, फिलहाल अब टाइम हो रहा है 5:45। 20% ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया है गाइस। अब फिलहाल मैं संभव के पास जा रहा हूँ क्योंकि संभव को भी नहीं आ रहा है प्रोजेक्ट, और मैं भी थोड़ा अटक गया हूँ, तो संभव कहाँ जा रहा हूँ मैं, उसका नहीं जाके करूँगा मैं प्रोजेक्ट। और फिर अराउंड 1-1.5 आवर में जब रात में मैं खड़ा होऊंगा, तो ये उसके घर के घर कन संभव के घर कन प्रिंटआउट की दुकान है, उधर सस्ते में होता है प्रिंटआउट, जेरोक्स वगैरह भी लाना है, चिपकाना है ना फोटोज के। चलिए जाते हैं, टाइम हो गया है 5:45। But it will never be enough. 2 hours later. So guys, फिलहाल टाइम हो रहा है 7:37। घर पे 20% हुआ था प्रोजेक्ट और अभी 20% हुआ है, 40% हो गया है। अब फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ। ओके घर जाकर BST पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज, कल बिजनेस स्टडीज का है ना हमें प्रैक्टिकल। ठीक गाइस, किसी का भी नहीं हुआ है हमारे फ्रेंड्स का क्लास में प्रोजेक्ट, सबसे बात हो रही थी, मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप वीडियो कॉल करके हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, किसी का भी नहीं हुआ है प्रोजेक्ट। कल देख लेंगे स्कूल में जो होकर जाएगा, सब लोग एक साथ। चलिए फिलहाल तो घर चलते और BST पढ़ते बिजनेस स्टडीज। गाइस फिलहाल अब टाइम हो रहा है, अरे वाह क्या है कि वॉच की प्रॉब्लम, 8:45। मैं सो रहा हूँ गाइस, पता नहीं घर आते कि सर ऐसा सीवियर दुख रहा है मेरा, सर बहुत
क्या हुआ कि गाइस, मतलब घर में घुसा, पानी पिया, जस्ट सोफे पे बैठा, सिवियर सर दुखना चालू हो गया है बहुत। अभी से मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ ना फोन की, वो ज़्यादा दुख रहा है सर। फिलहाल गोली ले लूँगा और अब सो रहा हूँ गाइस। मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा, सुबह 4 बजे उठेंगे गाइस, क्योंकि दोपहर में मैं सो गया था 2 घंटे, तो सुबह नींद पक्का जल्दी खुलेगी। अब मैंने गोली तो ले लिया है ना गाइस, कंफर्म ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कितना भी सर दर्द हुआ है मुझे, गोली लेने के बाद 15 से 20 मिनट में ठीक हो गया है। ओके चलिए गाइस, अब फिलहाल तो मैं सो रहा हूँ, सुबह भी अगर मैं 4 बजे उठूँगा अगर सर दुखा तो मैं गोली ले लूँगा, 15 से 20 मिनट में ठीक हो जाएगा। ओके चलिए, फिलहाल तो मैं सो रहा हूँ, व्लॉग कर नहीं कर रहा हूँ आज, कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया ना, सुबह एंड करूँगा। ओके गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग। हे गाइस गुड मॉर्निंग, दिस सर, नेक्स्ट डे उठ गया हूँ मैं। चलिए गाइस, फिलहाल बिजनेस स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ना कुछ भी नहीं पढ़ा है, 2 दिन छुट्टियों में। अभी तो सर नहीं दुख रहा है गाइस, पर बाद में दुखेगा शायद, मुझे लगता है। ओके फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या पढ़ना है मैं बिजनेस स्टडीज में। सो गाइस, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, वही मैंने अभी पहले भी आपको दिखाया था ना गाइस, वही छे। अब अरोमा हेयर ऑयल मेरे प्रोजेक्ट कंपनी का नाम, देखिए अरोमा हेयर ऑयल उसका लोगो। कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट रेंज एंड इट्स वेराइटी, यूएसपी ऑफ माई हेयर ऑयल, यूएसपी ऑफ माई हेयर ऑयल्स कॉम्पिटिटर्स, लाइसेंसेस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बिजनेस, क्वेश्चंस अबाउट माई फीडबैक, पाई चार्ट, बिब्लियोग्राफी, कंक्लूजन, लास्ट रिमार्क। चलिए गाइस, अब स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगा 7:45 को। ओके चलिए। 2000 years later। तो गाइस फिलहाल अब टाइम हो रहा है 6:50, 6:50 हो गया है मेरा पढ़ना। ईजी चे गाइस, बिजनेस स्टडीज मैंने सोचा था हार्ड रहेगा, हार्ड रहेगा, थोड़ा बहुत ईजी चे। फिलहाल तो मैं कॉरिडोर में आया हूँ एक राउंड मारने के लिए। माँ बहुत सर्दी है गाइस आज, तो सर्दी लग रही है मुझे तो बहुत ज़्यादा। फिलहाल मैंने गीज़र खोल दिया है, नहाकर आ जाएंगे थोड़ी देर में। चलिए गाइस, इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे ये एंड करके दूसरा भी स्टार्ट करना है ना, और आज हमें कैब में जाना पड़ेगा, आज 8 o'clock निकलेंगे। ओके चलिए गाइस, फिलहाल मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखा, एक सेकेंड, ये देखिए गाइस, पहले ये था ना पूरा एक इतना बड़ा, फुट के छोटा हो गया है, पर रेड मार्क हो गया है गाइस, साबुन लगाया तो भी नहीं जा रहा है गाइस, ये क्या करूँगी इसका, मैं सब समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। चलिए गाइस कोई बात नहीं, फिलहाल तो मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, क्योंकि एंड करके दूसरा स्टार्ट करूँगा। ओके चलिए, होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो इसे लाइक करना, एंड चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।